तो वही तो हम बोल रहे हैं कि इतिहास सबसे पहले किसी के बारे में जानने से पहले उसका इतिहास पढ़ना चाहिए। कहा जाता है हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि कौन क्या है। तो जिस गाने से नाम मिला वो था सयाजी नीचे हम ऊपर से। उसके बाद में एक और गाना आया कि अरवा क्या हो बढ़िया भतार में नहीं। विवाद तो नहीं सीखेंगे, अब उतना तो ज्ञान है कि हाँ क्या सीखना चाहिए क्या नहीं। कितना पैसा कमाते हैं आप? ये सब दर्शकों का प्यार है। पैसा कमाने के जहाँ तक बात है कि जो काम हम फ्री में करते हैं ना उस पर अगर हम हमेशा फ्री में काम करें और मेहनत के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर। लगभग लगभग इतना दिनों में हम समझ लीजिए कि ज़्यादा नहीं तो 2-3 लाख रुपया खर्च। यूट्यूब नहीं चल रहा था, चल रहा था बट उतना पॉपुलर नहीं था, साइड का जमाना था। ये बात सही नहीं है। उसके पहले कुछ और गाना गाए थे, हम बोलबम के गाना गाए थे और दुर्गा पूजा के गाना। एक बार हम माइक देखे कि यहाँ रिकॉर्डिंग हो गया तो हम आश्चर्यचकित हुए हैं कि दादा यहाँ रिकॉर्डिंग होता है, ऐसे ऐसे गाया जाता है, हम गा पाएंगे। शुरुआत हम लगभग लगभग 17 के लास्ट में किए हैं और 17-18। नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज। आज मैं जो हमारे शख्स हमारे सामने बैठे हुए हैं इनके बारे में समझे कि मैं बहुत बड़ा मतलब बहुत चीज़ बोल सकता हूँ और ये पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि इनका पहचान पहले से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग मतलब जज्बा की तरह से बना हुआ है। आज मैं इन पे कुछ बात करूंगा इनसे। और जो हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं आप जानते ही हैं कि इनका गाना काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चलता है और आज भी चलता है। सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा, तो इनका नाम है अभिषेक चंचल जी, जो कि समझिए कि पश्चिमी चंपारण के एक सुपरहिट क्या बोलते हैं स्टूडियो है, लवली स्टूडियो, वहाँ से गाना गाते हैं और काफ़ी मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक इनका अलग सा जज्बा है, अलग सा माहौल है और काफ़ी लोग इनको मतलब समझे कि इनके गाना को सुनते हैं और इनको प्यार दुआ देते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे तत्काल न्यूज़ के अंदर अभिषेक जी। नमस्कार प्रणाम। जितने भी तत्काल न्यूज़ देखने वाले दर्शक हैं और मुझे प्यार करने वाले लोग हैं सबको यहाँ से चरण स्पर्श। सबसे पहले कि मैं ये पूछूंगा कि गायकी में आप कब और कैसे आए? मेरा गायकी में शुरुआत पढ़ाई कर रहे थे उसी समय से इंटरेस्ट था इसमें और शुरुआत हम लगभग लगभग 17 के लास्ट में किए हैं और 17-18 जब जब आपने शुरुआत किया तो क्या सोचे गाना चालू किया कि कैसे होगा ये प्रयास, कैसा लगा आपको उस समय, कैसा लग रहा था? हम जब पढ़ते थे स्कूल में ना तो वहाँ पे मेरे सर लोग थे, वो लोग बोलते थे कि तुम अच्छा करोगे अच्छा। अब जानते हैं गाना गाने के बाद अब सर लोग आज ही ऐसा था आपका? सर लोग उत्साह बढ़ाते थे कि बाबू तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा करोगे। तो मेरे मन में हुआ कि कहीं ना कहीं हमको भी प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। मेरे गांव के 2-4 लड़के थे जो प्रोजेक्ट बनाते थे एल्बम वगैरह, तो हमको लगा कि हम भी एल्बम बनाएं। तो उस समय मुलाकात मेरे शिव प्रेमी भैया से हुआ और उनके बाद वही स्टूडियो में लाए और दिखाए कि स्टूडियो होता है, यहाँ से ये रिकॉर्डिंग होता है। और प्रीतम भैया जो लवली स्टूडियो के मालिक है उनसे जान पहचान कराएं और वहाँ से शुरुआत हुआ 2017 से, जो जर्नी अभी तक स्टार्ट है। सबसे पहले जब आप माइक के सामने गए आपके कानों में जो हेडफोन लगा उसके बाद आपको कैसा लग रहा था उस समय? अभी शुरुआत में जब थे तो उस समय तो जब पहली बार हम माइक देखे कि यहाँ रिकॉर्डिंग हो गया तो हम आश्चर्यचकित हुए हैं कि दादा यहाँ रिकॉर्डिंग होता है, ऐसे ऐसे गाया जाता है, हम गा पाएंगे कि नहीं गा पाएंगे। तो हम जब स्टूडियो में गए तो दिल धक 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 कर रहा था। और मेन बात है कि उस समय हम गा लेते थे, अब स्कूल में गाए थे टीचर लोग के सामने तो वहाँ अच्छा खासा था। तो यहाँ पे जब हम गाना स्टार्ट किए तो डर लग रहा था लेकिन फिर भी गा दिए थे सबसे पहले गाना। बोला जाता है कि अभिषेक चंचल का एक पहला गाना आया जिसका नाम था क्या बोलते हैं ऊपर नीचे, ऐसा ही कुछ गाना था, वो सबसे पहला गाना आया और हिट हो गया, क्या ये बात सही है? नहीं नहीं ये बात सही नहीं है। उसके पहले कुछ और गाना गाए थे, हम बोलबम के गाना गाए थे और दुर्गा पूजा के गाना गाए थे। उसके बाद में मेरा गाना ये गाया सैया जी नीचे हम ऊपर से, जो काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, सब भाई मेरे सुने हैं और उसी गाने से मुझे नाम मिला अभिषेक चंचल। जब आप रिकॉर्डिंग करके गाना को निकले तो आपको कैसा लग रहा था, मतलब क्या बोल रहे थे आपके दोस्त और आपके समझिए कि जो भी आपके साथी हैं वो क्या बोल रहे थे इस गाने को लेकर? जब हम रिकॉर्डिंग किए तो उस समय हमको उम्मीद नहीं था कि ये गाना चलेगा। हम हमारे दिल से थोड़ा भी जो मेरे भैया है प्रीतम भैया जो स्टूडियो के मालिक हैं वो बोले कि ये गाना चलेगा और हमको उम्मीद नहीं लग रहा था कि ये गाना चलेगा। हमारे राइटर साहब भी बोल रहे थे कि गाना चलेगा, हमको दिल से थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था कि गाना चलेगा। तो भैया मुझे कहे कि बाबू इसका तुम मार्केटिंग करो। उस समय यूट्यूब नहीं चल रहा था, चल रहा था बट उतना पॉपुलर नहीं था, साइड का जमाना था। तो उस समय भैया बोले कि इसको मार्केटिंग करो, तुम लेकर जाओ गाने को पहुंचाओ, नए सिंगर हैं तो पहुंचाएंगे तभी तो लोग जानेंगे। अब गाना लेकर हम मार्केट में निकले, पोस्टर छपाया 5-6 रुपये में, 5-6 पोस्टर छपाया और उसके बाद में एक एक पोस्टर हम चपकाना स्टार्ट किए सभी कंप्यूटर वाले भाई के पास। सबके पास जाते थे, कोई कोई भगा देता था, कोई कोई प्यार देता था, कोई कोई बैठा के पूछता था कहाँ से आए हो, क्या करते हो, मतलब बहुत सारा बात।
तो वो गाना जब मार्केटिंग कर दिए उसके एक दो महीना बाद कहीं कहीं सुनाने लगा, दोस्त सब का फोन आने लगा कि भाई तुम्हारा ये गाना बज रहा है। हमको विश्वास नहीं हो रहा था, हम अपने कान से सुने नहीं थे कि गाना बज रहा है। धीरे 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 दो तीन महीना जब बीता उसके बाद में गाना जब बजने लगा तब हमको लगा कि हाँ ये गाना हिट हो गया। कहीं ना कहीं बोला जाता है कि अभिषेक चंचल एक ऐसा गायकर है जिन्होंने कम खर्च में अपना एक करियर तैयार किया, क्या ये बात सही है? आपने कितना इन्वेस्ट किया है सर इस लाइन में? इस लाइन में हम इन्वेस्ट किए हैं ऐसा बात नहीं है, कम खर्च में नहीं, लेकिन हाँ ये बात मैं कहूँगा कि हमको मार्गदर्शन अच्छा मिला कि जिसके वजह से हमें कम खर्च लगा है। लगभग लगभग इतना दिनों में हम समझ लीजिए कि ज़्यादा नहीं तो 2-3 लाख रुपये खर्चा कर दिए हम। लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किए हैं? और मैं ये पूछूँगा कि अभी के डेट में आपका कौन सा गाना मार्केट में बज रहा है और कैसा लगता है अगर आप कहीं स्टेज शो करने के लिए जाते हैं तो? अभी फिलहाल एक गाना बज रहा है कि छत पर सुता के भतार अलबत किया है, जो कि काफ़ी लोगों ने प्यार दिया है, लगभग 2 करोड़ चला गया है वो गाना। तो और स्टेज की और जहाँ तक बात रहा तो हम लोग स्टेज प्रोग्राम में जाते हैं तो नाम जब लोग सुनते हैं कि अभिषेक चंचल आ रहे हैं तो वहाँ जब जाते हैं तो भाई का जब प्यार मिलता है कि भाई जब गाना गाने के बाद लोग वहाँ चिल्लाते हैं कि अभिषेक वाह अभिषेक वाह, तो हमको ये अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं कि इस छोटे से उम्र में इतना लोग मुझे प्यार कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि कभी भी वो चीज़ ना टूटे। आपका पहला स्टेज शो कब और कहाँ हुआ था? मेरा पहला स्टेज शो याद तो उतना नहीं हुआ, नहीं आ रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि शायद मोतिहारी की तरफ हुआ है। हाँ उधर हुआ है फर्स्ट शो, हम तो डर रहे थे कि गा पाएंगे। इस कंपनी से आप गाते हैं, कैसा लगता है आपको यहाँ गा करके? मतलब प्यार आशीर्वाद कैसा मिलता है आपको यहाँ? तो व्यवहार अच्छा, इतना दिन से हम यहाँ गाते हैं, लगभग हमको गाते हुए 2-3 साल 4 साल हो गया। अभी तक इधर बीच में कुछ हो गया था जिसके वजह से हम इधर उधर भटक गए थे। अब मार्गदर्शन सही नहीं होता है, कुछ तनाव हो जाता है, कुछ बात विचार बिगड़ जाता है जिसके वजह से इधर उधर हो गया था। लेकिन हमको इस स्टूडियो में जितना सुकून मिलता है ना, कहते हैं कि जो काम हम फ्री में करते हैं ना उस पर अगर हम हमेशा फ्री में काम करें और मेहनत के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो कहना ये है कि भैया जो है उनका प्यार इतना मिलता है कि हमको यहाँ से जाने का मन नहीं करता है कि किसी और स्टूडियो में जाएं आ काम करें। इनका स्नेह और प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है जिसकी वजह से हम अभी तक टिके हुए हैं। बोला जाए कहीं ना कहीं कि अभिषेक चंचल जी ये कैसे गायकर और बहुत पैसा कमाते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप दर्शकों को? कितना पैसा कमाते हैं आप? ये सब दर्शकों का प्यार है, पैसा कमाने के जहाँ तक बात है तो है, खर्चा निकल जाता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कमाते हैं, चल जाता है कि हाँ जो चाहिए वो हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे दर्शक देख रहे हैं, समझे कि आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनसे क्या राय, आपके क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए, कैसा प्रयास रहा है उनका, क्या कर रहे हैं? दरअसल बात यह है ना कि जो भी लोग हैं भाई सब हैं गाने के लिए अगर आ रहे हैं स्टूडियो में तो आइए, एकदम वेलकम है लवली स्टूडियो में। और जब भी आइए इस भाई से जितना भी सपोर्ट होगा आप एक बार कॉल कीजिएगा मेरे नंबर पे कि भाई। बोलाते हैं कॉल नहीं उठाते हैं आप? नहीं नहीं कॉल क्यों नहीं उठाते हैं, अब कभी किसी काम में बिजी होते हैं जिसकी वजह से नहीं उठाते हैं, अब देखते हैं तो लौटाते जरूर हैं। और उसके बाद में कॉल कीजिए, हम हमेशा तैयार हैं कि भाई का सपोर्ट जितना होगा मेरे से उतना हम करने के लिए रेडी है। देखिए अभी आप लोगों ने देखा कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं एक समझिए कि एक स्टार, मैं नहीं बोला सुपर स्टार, क्योंकि इन जो नाम देना है समझिए कि ये पब्लिक नाम देते हैं, और कहीं ना कहीं समझे कि स्टारों में एक छुपा हुआ नाम यानी कि अभिषेक चंचल का नाम है जो कि बेतिया जिला से रहने वाले हैं और बेतिया में एक स्टूडियो है लवली स्टूडियो, वहां से गाना गाते हैं। इनकी करियर की शुरुआत ये सर बताइए कि सबसे पहले आपने कहां से गाना स्टार्ट किया था शुरू में? यही इसी स्टूडियो से। तो स्टार्टिंग आपके ये इसी स्टूडियो से? हाँ इसी स्टूडियो से हुआ है, शुरुआत में स्टूडियो था इलाराम चौक पे यहाँ पे बेतिया में, और वहाँ में स्टूडियो था, वहाँ पे भैया लेकर आए थे शिव भैया और वहाँ पे गाना गाए थे हम पहली बार इसी स्टूडियो से, लवली स्टूडियो से गाना गाए। अभी जो गाना बज रहा है मार्केट में जी, उसको थोड़ा अपने भाइयों के सामने पेश करना चाहते हैं। कटल रहे लाइट ना बहुत रहे हवा, पिया बानी दर्दा के आया नहीं दाया, कि कटल रहे लाइट ना बहुत रहे हवा, पिया बानी दर्दा के आया नहीं दाया, आ ढीला इंजन के सारा नट किया है नोट किया है, छत पर सुता के भतार सखीरे अलबत किया है, अलबत किया है, अलबत किया है। और मैं ये पूछूंगा कि कौन कौन सा गाना, मैं आपको थोड़ा याद अगर होगा कि कौन कौन सा गाना आपके पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश हुई है, कौन कौन सा गाना रहा? मेरा गाना सबसे पहले तो जिस गाने से नाम मिला वो था सैया जी नीचे हम ऊपर से, उसके बाद में एक और गाना आया कि यारवा क्या हो बढ़िया भतार मनिखे सवाल, एक और गाना आया कि बलमा चोली के साइना पे, एक और गाना आया था आँखी में लगा लिए कजरवा रे पूजो,
ऐसा ऐसा बहुत सारा गाना आया था और उसके बाद अलवत किया है और सारा बहुत सारा गाना रेडी हुआ है जो कि मार्केट में जाएगा तो लोग सुनेंगे। तो फिल्म करने का मन करता है कि नहीं आपको? फिल्म करने का मन करता है लेकिन हम ये सोचते हैं ना कि पहले प्रोजेक्ट से अपना नाम ज़्यादातर बनाया जाए। और मान लीजिए कि अभी मेरा प्रोजेक्ट चलता है ठीक है, मानते हैं कि 2 करोड़ लोग देख लेते हैं, हम ये चाहते हैं ना कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी मेरे श्रोतागण हैं वो मुझे प्यार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जब जानने लगेंगे उसके बाद हम फिल्म में बनाए तो फिल्म चलेगा। अभी तो भोजपुरी में विवाद चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? विवाद पे हम क्या कहें, बहुत जितने भी लोग मेरे भैया हैं सब गार्जियन स्वरूप हैं और अब हम तो छोटे आदमी, हम क्या जाने कि विवाद आखिर है क्या, अब कौन क्या बोल रहा है क्या, अब सबको जो लगता है वो बोलते हैं। लेकिन उन लोग से आपको सीखना है? हाँ, उन्हीं लोग से सीखना है। क्या आप वहीं सीखिएगा? नहीं नहीं, विवाद तो नहीं सीखेंगे, अब उतना तो ज्ञान है कि हाँ क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए और किनको मानना चाहिए किनको नहीं मानना चाहिए। तो हम यही कहेंगे जिनका जो मतलब माइंड होता है, जो थिंकिंग होता है वो करते हैं और मुझे जहाँ तक मुझे जो अच्छा लगता है वो हम उनसे एक्सेप्ट करते हैं और सीखते हैं। नेपाल से आकर के सोम्या पोखरेल नाम की एक ऐसी लड़की जिन्होंने बोल दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब पावर स्टार माने जाने वाले एक पावर स्टार पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, इस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? अब वो देखिए वो बोली हैं क्या, क्यों बोली हैं, अब उनका उनका दिल जानता है। लेकिन जहाँ तक बात रहा भोजपुरी के, तो सबसे पहले बात कहा जाता है कि अगर हम बॉलीवुड में जाते हैं या किसी दुकान में जाते, जैसे मान लीजिए वी टू में हम जाएं कपड़ा खरीदने के लिए, तो हमको पहले पता होना चाहिए ना कि वी टू में कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, कौन कौन सा चीज़ उसमें उपलब्ध है, तब ना हम जाएंगे तो खरीदेंगे। और भोजपुरी में वो आ गई, उनको सबसे पहले इतिहास जानकारी करना चाहिए कि भोजपुरी में आखिर कौन कौन। जब खेसारी लाल यानी कि सुपर स्टार माने जाने वाले खेसारी लाल के साथ उन्होंने जब काम किया तो क्या उनको मालूम नहीं था कौन सी कौन है? तो वहीं तो हम बोल रहे हैं कि इतिहास सबसे पहले किसी के बारे में जानने से पहले उसका इतिहास पढ़ना चाहिए। कहा जाता है हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि कौन क्या है। तो भोजपुरी में जब वो आए तो उनको ये पता करना चाहिए कि भोजपुरी में कौन कौन से लोग हैं, कौन से स्तंभ है जिसके बदौलत भोजपुरी चला है। तो अब उनको ये पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, अब वो अपने दिमाग से क्यों बोली है, अब सिर्फ उसका जवाब वही बता सकती है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी मेरे श्रोता मुझे प्यार करने वाले हैं, तत्काल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जैसे मुझे प्यार करते हैं हमेशा प्यार करते रहिए और भाई को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। चलिए, जय हिंद जय भारत।